हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण क्लासेस। संपूर्ण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एवरेज का टाइप टू, यानी कि स्टेटमेंट टाइप। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलूंगी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन, ताकि आपको चैनल के अपकमिंग वीडियोज के अपडेट्स मिलते रहें। और दूसरी बात ये है, आप सभी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हो तो उसे ज्वाइन करने का आपको बेनिफिट ये मिलेगा, पहली बात हम अपनी सारी क्लासेस के लिंक वहाँ शेयर करते हैं, दूसरी बात आप अपने डाउट्स वहाँ पे हमसे पूछ सकते हो। क्लास रिलेटेड जो भी डाउट्स आपको आते हैं, आप वीडियोस देख रहे हैं, आपको कोई भी डाउट आ रहा है उसे आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, हम उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करते हैं। और तीसरी बात ये है, संपूर्ण क्लासेस के जितनी भी लाइव सेशंस होते हैं उसका भी लिंक वहाँ पे ही शेयर किया जाता है। ठीक है, चलो अब आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। किसी ने अगर पार्ट वन नहीं देखा है एवरेज का, जिसमें हमने टाइप वन डिस्कस किया है नंबर टाइप, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप टू स्टेटमेंट टाइप। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट टाइप। द एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे ट्यूजडे वेंसडे एंड थर्सडे वॉज 48 डिग्रीज एंड फॉर ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे एंड फ्राइडे वॉज 46 degrees. If the temperature on Monday was 42 degrees, then find the temperature on Friday. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला है आपका कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड से देखिए इक्वेशन बना के कैसे सॉल्व होगा। ये है आपका मंडे, ट्यूजडे, वेंसडे एंड थर्सडे, इनका आपका एवरेज टेम्परेचर है 48। अब एक बात बताइए, मैंने आपको क्या बताया था, एवरेज इज इक्वल्स टू होता है सम अपॉन टोटल नंबर। अगर कोई पांच नंबर हैं जिनका एवरेज आपको 26 दिया हुआ है तो उसका सम कितना हो जाएगा। इसी फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर दो, एवरेज आपका है 26, सम आपको निकालना है और टोटल नंबर है 5, तो यहाँ से सम कितना मिल जाएगा आपको 26 × 5। सिमिलर केस यहाँ पे भी अप्लाई होगा। ये आपके चार दिन हैं, मंडे ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे, इसका एवरेज है आपका 48, तो सम कितना हो जाएगा 48 × 4। उसके बाद बाकी चार हैं आपके ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, उनका एवरेज टेम्परेचर कितना है 46 है। ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, उसका एवरेज टेम्परेचर है 46, तो सम हो जाएगा 46 × 4। इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा मंडे माइनस फ्राइडे इज इक्वल्स टू 8। मंडे माइनस फ्राइडे इज इक्वल्स टू 8 मिल गया। मंडे का टेम्परेचर है आपका 42, सो 42 माइनस फ्राइडे इज इक्वल्स टू 8, तो फ्राइडे की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी 34, आंसर मिल जाएगा 8। एक तो तरीका ये है सॉल्व करने का, दूसरा तरीका भी देख लो। दूसरे तरीके में आप क्या करोगे, सिंपली जो भी आपको डेटा लिखा है वो नोट कर लो। ये है आपका मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ठीक, शुरू के चार दिन की वैल्यू आपको लिखी मिली हुई है 48 × 4, आखिरी के चार दिन की वैल्यू क्या दी हुई है आपको 46 × 4। ठीक है, अब देखो मंडे की वैल्यू आपको पता है 42। अब जरा ये सोचो, आपको इन चार की वैल्यू पता है और इन चार की वैल्यू पता है, इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन कौन से डेज हैं, जरा कॉमन डेज देखो। कॉमन डेज हैं आपके ट्यूसडे वेंसडे और थर्सडे। ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे इसमें कॉमन डेज हैं और हमें इसकी वैल्यू भी नहीं पता है, तो हम ऐसा क्या करते हैं कि ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे हमारे कैलकुलेशन में से एलिमिनेट हो जाए। सिंपल सी बात है, हमें मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे की वैल्यू पता है 48 × 4 और ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे की वैल्यू पता है 46 × 4। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, सिंपली हमें मिल जाएगा मंडे माइनस फ्राइडे इज इक्वल्स टू 2 × 4। सिंपल एक लाइन में आ गई ये इक्वेशन जो हमने इस तरीके से फॉर्मुलेट करके लिखी थी। उसके बाद मंडे माइनस फ्राइडे इज इक्वल्स टू आपका आ गया 8। मंडे की वैल्यू आपको पता ही है 42 है, वही सब्सटीट्यूट कर दो, 42 माइनस फ्राइडे इज इक्वल्स टू 8, तो फ्राइडे की वैल्यू कितनी आ गई,
34 आंसर हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द स्टूडेंट्स एवरेज मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स इज 82। ये स्टूडेंट्स हैं आपके 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, स्टूडेंट्स के 5 सब्जेक्ट में एवरेज मार्क्स जो है वो है आपके कितने, 82। 82 इंटू 5, कोई ऐसा तो नहीं है ना जो ये ना समझ पा रहा हूँ कि इंटू 5 क्यों कर रही हूँ मैं। देखो 82 आपको एवरेज दिया है और आपको फॉर्मूला पता है, एवरेज इज इक्वल्स टू सम अपॉन टोटल नंबर होता है। एवरेज अगर आपको पता है और टोटल कितने कितने सब्जेक्ट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 सब्जेक्ट हैं, तो अगर हमें सम निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो हमें मिलेगा। तो यहाँ से हम कर देंगे इंटू 5। उसके बाद देखो एवरेज ऑफ फर्स्ट टू सब्जेक्ट्स इज 86.5। अब इसको अगर आपको सम निकालना है तो क्या करोगे, एक तो दो सब्जेक्ट है इंटू 2 कर दो। फिर लास्ट टू का क्या बोल रहा है, 84 है एवरेज, सो 84 इंटू 2 कर देना। ठीक है, यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 173, यहाँ से आपको मिल जाएगा 168। अब ये बताओ, और ये टोटल है आपका 410, ये 173 है, ये 168 है, ये 410 है। तो अगर हमें इस थर्ड सब्जेक्ट के मार्क्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपली 410 माइनस 173 माइनस 168 कर देंगे। कितना हो जाएगा, 410 माइनस 341 इज इक्वल्स टू 69, आंसर हो जाएगा ए, विद इन 1 लाइन आंसर आ गया। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो इस तरीके के क्वेश्चन मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है आपके लिए, इसलिए इसको खूब अच्छे से समझो। ठीक है, कोई 5 सब्जेक्ट है, इसको भी हम दो तरीके से करेंगे, पहला वही अपने कन्वेंशनल मेथड से और दूसरा शॉर्टकट से। ठीक, देखो कोई 5 सब्जेक्ट है, उनके एवरेज मार्क्स आपको निकालने हैं। ठीक है, जबकि फर्स्ट 3 के आपको एवरेज मार्क्स पता है 79 और लास्ट 3 के पता है आपको 86 और तीसरे सब्जेक्ट का मार्क्स पता है 80। अब देखते चलो जो जो मेंशन है, मान लेते हैं सब्जेक्ट्स हैं हमारे ए बी सी डी ई। ठीक है, अब आपको पता क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 79 इंटू क्या करेंगे, 3 करेंगे, क्योंकि 3 सब्जेक्ट है। हमें पता है एवरेज इज इक्वल्स टू सम अपॉन टोटल नंबर होता है, एवरेज 79 है और टोटल नंबर कितना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लास्ट 3 की बात कर रहा है, सी प्लस डी प्लस ई। ठीक, इसका एवरेज कितना पता है आपको, 86 पता है, 86 इंटू 3 कर दो। ठीक है, अब एक काम करो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, क्योंकि आपको क्या निकालना है, एवरेज मार्क्स निकालने हैं पांचों सब्जेक्ट के, तो यानी कि यहाँ पे हमें सम करना पड़ेगा। इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल्स टू, ये आपका है 237 और ये है आपका 258। कितना आ गया है आपका, ये आपका आएगा 495। ठीक है, अब देखो अगर आपको इन पांचों सब्जेक्ट का एवरेज निकालना है तो इन पांचों सब्जेक्ट का एवरेज निकालने का क्या तरीका होगा, अगर आपको सम मिल जाए तो आपका काम बन जाएगा। सम कैसे निकालोगे, इस C की वैल्यू यहाँ पे 80 दी हुई है आपको, A B C D E यहाँ पे मिल रहा है, तो यानी कि अगर मैं इस C को की वैल्यू जो 80 है उसको मैं इसमें से घटा दूँ 495 में से, तो मुझे 415 जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी हो जाएगी, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की वैल्यू आप मुझे मिल जाएगी 415। ये सम हो गया, तो एवरेज कितना आ जाएगा, इसी को मैं 5 से डिवाइड कर दूँ, इसको मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, कितना मिल गया, 83, आंसर हो गया सी। ये तो कन्वेंशनल मेथड है सॉल्व करने का। ठीक है, अब जरा इसका शॉर्टकट देखिए एक बार कि विद इन 1 लाइन आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो ये है आपका ए बी सी डी, फर्स्ट 3 का आपको एवरेज पता है 79 इंटू 3। ठीक, लास्ट 3 का क्या पता है, 86 पता है,
86 इंटू 3। और थर्ड सब्जेक्ट की आपको वैल्यू पता है 80। तो आप क्या करेंगे, आप जरा ये सोचो, अगर मैं इस सम को और इस सम को जोड़ दूं, ठीक है, तो सी दो बार आएगा। क्यों भाई, सी दो बार आएगा कि नहीं? पहला है आपका एबीसी, करा देखो इसी मेथड से किया करो, क्योंकि ये शॉर्टकट पड़ेगा, इसमें आपको बहुत मेहनत नहीं पड़ेगी। एक है आपका एबीसी, दूसरा है आपका सीडीई। सी आपका दो बार आ रहा है, ठीक, सी दो बार आ रहा है, लेकिन सम के लिए आपको सी कितनी बार चाहिए? एक बार चाहिए। और सी की हमें वैल्यू दी हुई है 80। तो हम एक काम करें, हम सिंपली एक काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल्स टू ये वैल्यू इंटू ये वैल्यू, ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, माइनस हम कर देंगे 80। ठीक, कितना हो गया आपका 237 प्लस 258 माइनस 80, कितना आ गया 415। वही तो मिला जो पहले मिला था, 415 आपको सम मिल गया। एवरेज कितना आएगा, 415 डिवाइडेड बाई 583, आंसर हो जाएगा सी। कोई ऐसा जिसे ना समझ पाया हो तो एक बार फिर से देख ले, डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपको यही बोलूंगी कि आप कोशिश करो कि विद इन वन लाइन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, फालतू का उसे ज़्यादा लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार और इसको देख लीजिए, इस मेथड को खूब अच्छे से समझ लीजिए कि एग्जैक्टली इसे हम करेंगे कैसे सॉल्व। फिर से देखो, ये सब्जेक्ट्स हैं आपके पाँच, ए बी सी डी ई, ठीक, इसकी वैल्यू आपको पता है 79 एवरेज है, तो सम हो जाएगा 79। सी डी ई की वैल्यू है आपकी 86 इंटू 3। अब देखो, अब आपको निकालना है एवरेज। एवरेज कैसे निकालोगे, एवरेज के लिए आपको चाहिए होता है सम। ये देखो, ये सी आपका दो बार आ रहा है, क्यों? अगर मैं सब इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं 86 इंटू 3 प्लस 79 इंटू 3 को ऐड करूं, तो सी दो बार आएगा। सी दो बार आ रहा है, यानी कि अगर मुझे सिंपली ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई निकालना है, तो उसकी जगह यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस टू सी प्लस डी प्लस ई मिलेगा, जिसकी वैल्यू है कितनी मेरी 495। ये टू सी है, तो इसमें से एक सी घटा दूँ मैं, क्योंकि सी की वैल्यू मुझे 80 पता है, एक सी को मैंने इधर कर दिया, माइनस 80 कर दिया, कितना मिल गया मुझे 415 सम हो गया। तो एवरेज कितना हो जाएगा, 415 डिवाइडेड बाई 5, 83 हो जाएगा एवरेज, आंसर विल बी सी। ठीक है, चलो अब जरा प्रीवियस ईयर की एक प्रॉब्लम देखो, 1996 के पेपर में पूछा हुआ है, द एवरेज ऑफ एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री इज 14। ये एक्स वन है, ये एक्स टू है, ये एक्स थ्री है, ठीक है, इनका एवरेज कितना है 14 है। अगर 14 इनका एवरेज है तो सम कितना हो जाएगा, 14 इंटू 1, 2, 3, 14 इंटू 3 कितना हो जाएगा 42। देखो इस चीज़ में मत कंफ्यूज होना कि तब से एवरेज दे रहा है तो मैं सम कैसे निकाल ले रही हूँ। सिंपली एक सिंपल फॉर्मूला आपको जो पता है, एवरेज इज इक्वल्स टू सम अपॉन टोटल नंबर, बस उसी का यूज करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल तीन नंबर हैं आपके, तो मैंने सिंपली इंटू थ्री कर दिया 42। अब क्या है, ट्वाइस ऑफ सम ऑफ एक्स टू एंड एक्स थ्री इज 30। 2x2 प्लस एक्स थ्री इज इक्वल्स टू दिया हुआ है आपका 30। तो यहाँ से x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, ये वैल्यू हो गई 15। निकालना क्या है, x1 निकालना है। अब इसमें कुछ करने को बच भी गया है क्या, सिंपली 42 में से 15 को माइनस कर दें, कितना आंसर मिल जाएगा 27, आंसर हो जाएगा बी, विद इन वन लाइन सॉल्व हो गया। एक और देखो, 1997 के क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक बात मैं बता दूं, ये जो 1996 और 1997, 1998, 2000 तक के पेपर के क्वेश्चन है, ये आपके लिए करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर की एनालिसिस की है तो आपने नोटिस किया होगा कि एज इट इज क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट हो रहे हैं, तो आप इसको ध्यान दीजिए, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन भी है। देखिए,
द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इन अ सर्टेन फैमिली, सर्टेन 5% इज 1000। ठीक है, कुछ पांच लोगों का परिवार है, ठीक है, उनका मंथली इनकम का जो एवरेज है वो 1000 रुपये है। ठीक, उसके बाद में मंथली एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन इन सेम फैमिली, अब इसकी कितनी हो जाएगी इफ द इनकम ऑफ वन पर्सन इंक्रीज बाय, ठीक है, 12,000 पर ईयर। अब देखो आपके इनकम जो है वो इंक्रीज हो रही है, पर ईयर बोल रहा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 12,000 को 12 से भाग दे दो, ठीक है, कितना मिल जाएगा आपको 1000, यानी कि मंथली कितनी इनकम बढ़ेगी, 1000 बढ़ेगी। अब देखो पांच का एवरेज आपको मिला, पता था, सिंपली आपको पता था 1000, ठीक है, तो अगर एवरेज 1000 था तो सम कितना हो जाएगा, 1000 × 5 हो जाएगा 5000, और सैलरी एक इंसान की 1000 रुपए से बढ़ गई, इसी में 1000 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 6000, बस एवरेज निकाल लो, 6000 और लोग कितने हैं, 5 लोग हैं, 6000 को 5 से डिवाइड कर दो, हो जाएगा 1200, आंसर हो जाएगा ए, विद इन वन लाइन आ गया आपका आंसर। ठीक है, कोई डाउट्स आते हैं तो उसे आप टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर पूछिए। चलिए, ये 2017 के क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिमिलर पैटर्न अभी हमने डिस्कस किया था, इसे एक बार देखो, ये कुछ 9 लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, इनका एवरेज वेट जो है वो कितना है, 50 है, सो 50 × 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये आपका एक मिनट, 50 × 9 वो हो जाएगा आपका 450। अब बोल रहा है एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 5% इज 45, इन पांचों का एवरेज कितना है 45, तो ये है आपका 45 × 5, कितना है ये 225। उसके बाद कह रहा है वेयर एज द एवरेज वेट ऑफ लास्ट 5 इज 55, ये कितना है आपका 55 × 5, कितना है 275। अब आपको निकालना है 5% का वेट, 5% का अगर वेट निकालना है, टोटल पता है आपको, ठीक है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ठीक है, सिंपल एक काम करो, सीधे ये सोच के देखो, टोटल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, एकदम भूल जाओ कि टोटल आपको कितना दिया है, बस ये देखो ये जो आपको वैल्यूज दी हुई है, इंडिविजुअल दी हुई है, शुरू के 5 नंबर और आखिरी के 5 नंबर का एवरेज, इनको जरा ऐड करके देखो, तब आपको क्या मिलेगा, आप ये नोटिस करोगे कि ये जो 5 है, ठीक है, ये 5 आपको 2 बार मिलेगा, ठीक है, बस एक 5 आपको 2 बार मिलेगा, बाकी सब कुछ एक बार ही मिलेगा, क्योंकि 5 ही कॉमन है, तो और उसके बाद अब इसको जरा नोट डाउन करो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 5 + 6 + 7 + 8, ये जो है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर मत समझना, ये नंबर नहीं है, ये 9 लोग हैं, ठीक है, सिंपली उन 9 लोगों को मैथ के नाम मैंने लिख दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, इनकी वेट का आपका सम कितना आ जाएगा, 225 + 275 कितना हो गया 450, ठीक है, सॉरी इट्स 500, हाँ ये टोटल हो गया आपका 500। और ये देखो आपको वैल्यू किसकी दी हुई है क्वेश्चन में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 की वैल्यू दी हुई है आपको 450, सिर्फ एक 5 एक्स्ट्रा बचेगा, बाकी सब एलिमिनेट हो जाएगा, उसकी वैल्यू है आपकी 450, इसी 500 में से आप 450 को माइनस कर दो, कितना मिल जाएगा 50, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, एक बार फिर से देख लो, अगर कोई डाउट आता है तो सिंपली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 लोग हैं, ये 9 व्यक्ति हैं, ठीक है, शुरू के 5 के वेट का एवरेज है आपका 45 × 5 कितना है ये 225 है, और आखिरी के 5 के वेट का एवरेज है आपका 55 × 5 कितना है 275,
इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मैं ये देखूंगी कि 5 आपका 2 बार आ रहा है, बाकी सब कुछ एक बार आएगा। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक। और ये 5 एक एक्स्ट्रा मैंने अलग लिख लिया, ठीक है। ये जो पांचवे आदमी का वेट है उसको मैंने अलग लिख लिया क्योंकि मुझे निकालना है। इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा आपका, दोनों को ऐड करूंगी, 225 + 275, मुझे मिल जाएगा 500। अब जरा ये देखो, ये जो 9 लोग हैं इनका एवरेज वेट कितना है, 50 है, तो 50 × 9 कितना मिल जाएगा, 450। इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 450। इस 500 में से 450 को घटा दो, आंसर मिल जाएगा 50, यानी कि पांचवे आदमी का वेट है 50 किलो, ठीक है। चलो अब आज का सेशन मैं यही एंड करती हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो वो आप मुझसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। मैं फिर से आप सभी से बोलूँगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन, ताकि आपको चैनल के अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है। ओके, बाय बाय।